सरकार ने 10-10 हजार का 10-10 हजार का हर एक व्यक्ति के अकाउंट में हर एक महिलाओं को दिया गया है। पढ़ने वाली महिलाओं के लिए भी फंड है, गर्भवती महिलाओं के लिए फंड है। जिंदाबाद, जिंदाबाद मोदी, जिंदाबाद। सवाल का जवाब दीजिए, सवाल का जवाब। मुझे लगता है ये गलत मंच है पूछने का, जहां हम अपने गलत मंशा हमारी नहीं है, गलत मंशा हमारी नहीं है। देखिए महिला भाजपा महिला मोर्चा की सदस्य हैं लोग, चुनाव नजदीक है और कल रात में मोदी जी ने उज्ज्वला पर 300 रुपया कम कर दिया है। आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। श्वेता झा भाजपा नेत्री हमारे साथ हैं और तमाम देखिए थर्ड जेंडर समाज से कुछ लोग हैं यहाँ पे, हम उन्हीं से जानेंगे। और नड्डा जी का जो उद्बोधन होगा आज कैलाशपति मिश्रा के जन्म शताब्दी समारोह पे, पूरे खा पी के जाने की तैयारी है, मजबूत होकर जाने की तैयारी है, क्योंकि भाजपा ने क्या पता इंतजाम किया होगा या नहीं किया होगा। क्या नाम है? मेरा नाम तान्या सिंह है। तान्या जी कहाँ जा रही हैं? हम लोग भारतीय जो नड्डा साहब हैं उनके स्वागत के लिए भी रुके हुए हैं यहाँ पर। नड्डा साहब के स्वागत के लिए रुकी है, लेकिन स्वागत किसके हो गया? नड्डा साहब आ क्यों रहे हैं बिहार में? वो बिहार के विकास के लिए आ रहे हैं। बिहार के विकास के लिए आ रहे हैं। लोग कहते हैं कि मोदी जी जो हैं वो कुछ काम नहीं कर रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं? मैंने जहाँ तक देखा है मोदी जी अभी बिहार में बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। बिहार में मेट्रो बनाना, बहुत सारा ऐसा सुविधा उपलब्ध दे रहे हैं, हम लोगों के लिए भी इतना सारा सपोर्ट ये कर रहे हैं, तो मेरे लिए मोदी जी तो बहुत अच्छे हैं अभी। आपके लिए मोदी जी अच्छे हैं? हाँ जी। आपके लिए मोदी जी कितने अच्छे हैं? आपके लिए मोदी जी कितने अच्छे हैं? मेरे लिए बहुत अच्छे हैं। क्या कर दिया मोदी? जब से वो आए हैं तब से मैक्सिमम लड़कियों के लिए बहुत चीज़ें कर रहे हैं। बोलते हैं कि मोदी जी नहीं कुछ कर रहे हैं, ये है वो है, बट नहीं, मोदी जी ने तो झुनझुना दिखा दिया लड़कियों को। 33% आरक्षण की बात करके 2029 में लागू करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बट तो कैसा है? हम तो दिल्ली में रहे हैं, दिल्ली में तो मैक्सिमम सबसे ज़्यादा। दिल्ली की बात छोड़िए, संसद में पास हुआ, देश के लिए पास हुआ है, ऐसा तो नहीं है। हाँ। मेरे लिए तो बहुत। बताइए श्वेता जी क्या मिला? 33% का आरक्षण है, कंधे से कंधे मिलाकर चलेंगे। 29 उन्होंने अभी इतना कुछ किया हुआ है महिलाओं के लिए, आप क्या बात करते हैं? अब हमारी महिलाओं को चूल्हे के सामने में धुआं का सामना नहीं करना पड़ता है। उन्होंने गैस और सिलेंडर की बात मत कीजिए, उज्ज्वला दे दिया लेकिन सब्सिडी बंद कर दी है। अभी अभी हमारा मन इतना खुश है कि आप कुछ भी बोलेंगे तो मैं नहीं सुनूंगी। मुझे पता है हमारे नरेंद्र मोदी जी ने आज हम सबको यहाँ खड़े रहने का हक दिया है, बहुत ही उमंग के साथ हम स्वागत कर रहे हैं, 33 शंखनाद कर रहे हैं और जितना मान सम्मान इनके कार्यकाल में मिला है आज तक किसी राजनीतिक पार्टी ने नहीं किया। श्वेता जी जवाब तो दीजिए, उज्ज्वला दे तो दिया लेकिन गरीब महिलाओं के पास पैसे नहीं है गैस भराने के लिए, कहाँ से आएगा? तो सरकार ने 10-10 हजार का 10-10 हजार का हर एक व्यक्ति के अकाउंट में हर एक महिलाओं को दिया गया है। पढ़ने वाली महिलाओं के लिए भी फंड है, गर्भवती महिलाओं के लिए फंड है। जिंदाबाद, जिंदाबाद मोदी, जिंदाबाद। सवाल का जवाब दीजिए, सवाल का जवाब। मुझे लगता है ये गलत मंच है पूछने का, जहाँ हम अपने गलत मंशा हमारी नहीं है, गलत मंशा हमारी नहीं है। देखिए महिला भाजपा महिला मोर्चा की सदस्य हैं लोग, चुनाव नजदीक है और कल रात में मोदी जी ने उज्ज्वला पर 300 रुपया कम कर दिया है। श्वेता जी जवाब तो दीजिए, 300 रुपया कम हो गया है उज्ज्वला पे? उज्ज्वला पे उन्होंने 1000 नियम बनाए हैं महिलाओं के लिए। पानी पियेंगे? पानी नहीं पियेंगे। इतनी सारी योजनाएं हैं, बाल कन्याल योजना है, गर्भवती महिलाओं के लिए योजनाएं हैं। आप बताइए जितना इन्होंने मान सम्मान दिया क्या किसी और राजनीतिक पार्टी ने दिया क्या? 33% का आरक्षण नीतीश कुमार ने महिलाओं को दिया, सबसे ज्यादा पुलिस में महिलाएं हैं बिहार में, उनको सपोर्ट कौन करता है? उनको अगर केंद्रीय सरकार सपोर्ट करती है, केंद्रीय सरकार सपोर्ट नहीं करेंगी तो कर लेंगे? उन्होंने तो ऐसी हालत कर दी है कि हम अकेले चल नहीं सकते। उनके ही अभी मंत्री ने बयान दिया था कि बिंदी और सिंदूर और फैशन के बारे में किया था, तो अब क्या बात करेंगे? वो लोग तो पहले महिला का सम्मान कर ले, फिर महिला का अधिकार का बात कर।
करेंगे, पहले सम्मान करें फिर अधिकार का बात करें। और हमारे नरेंद्र मोदी करके दिखा दें कि हमारी राष्ट्रपति महिला है, एक ऐसे समाज से आने वाली महिला है, वो अभी राष्ट्रपति बनकर बैठी है। राष्ट्रपति महिला, सुनिए सुनिए, राष्ट्रपति महिला है लेकिन नए संसद भवन के उद्घाटन में उनको नहीं बुलाया जाता है, ये अपमान है कि नहीं राष्ट्रपति का? ये आपको, मुझे लगता है कि मैं बार बार एक ही बात कह रही हूँ फिर भी आपको क्या अपमान का, क्या आपने बोला आपने? अरे एक देश के प्रथम नागरिक को, राष्ट्रपति को महिला है, संसद भवन के उद्घाटन में बुलाया नहीं? उनको बुलाया गया था, वो आई भी थी, और जितनी भी महिला सांसद हैं, जितनी भी महिला सांसद हैं, आप देख लीजिए बीजेपी की कार्यकाल से पहले इतनी भारी संख्या में क्या सांसदें थी, अभी 48 सांसद हैं, आप बताइए इतनी सारी सांसदें कब थी? जब 33% का आरक्षण से पहले ही ये हाल है। जब आगाज ऐसा है तो अंजाम भी बहुत अच्छा होगा, ये आपको खुले मन से कहती हूँ। चलिए बीजेपी की महिलाओं को देखिए, उधर भी कर दे रहा, यहाँ भी पूछते हैं। अरे सुनिए तो आई है तो देखिए, बीजेपी का पट्टा लोग लेके चले हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जो केंद्रीय नेतृत्व तो कह देता है उसी बात को ये मान लेती हैं लोग। श्वेता झा ने कहा कि राष्ट्रपति हमारी महिला है और उसी राष्ट्रपति को संसद भवन के उद्घाटन में नहीं बुलाया गया, तो कितना सम्मान कितनी पार्टियां महिलाओं को कर रही हैं ये जो पढ़ी लिखी महिलाएं वो समझ रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज जो ये मंच है वो नड्डा जी के स्वागत के लिए है और कैलाशपति मिश्रा का जनशताब्दी समारोह है। तमाम हम चलेंगे मंच के तरफ भी, कौन है नहीं है हम सबसे जानकारी लेंगे। लेकिन मैं मनोज चतुर्वेदी, पटना।